संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत पर गंभीर आरोप लगाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उरी आतंकी हमले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और आतंकी हमले को कश्मीर हिंसा की प्रतिक्रिया बताया है। इतना ही नहीं, नवाज ने भारत के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। अमेरिका से स्वदेश वापस लौटते वक्त एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत अपनी करतूतों पर कुछ नहीं कहता, सिर्फ दूसरों पर इल्जाम लगाता है। उरी में आतंकी हमले के 12 घंटे बाद ही पाकिस्तान पर आरोप मढ़ दिया गया। बिना किसी जांच के हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता। आपको बता दें कि इससे पहले यूएन में नवाज शरीफ ने अपने भाषण में कहा था कि भारत ने कश्मीर के लोगों पर अत्याचार किए हैं और वहां जबरन कब्जा कर रखा है। बेगुनाह कश्मीरियों पर भारत की सेना पैलेट गन से हमला बोल रही है, उनका कत्ल किया जा रहा है, लोग अंधे हो रहे हैं। एक तरफ नवाज भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके मंत्री भारत को जंग की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है, हालांकि अभी तक ऐसे हालात नहीं बने हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत पाकिस्तान को तमाम सबूत पेश कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान है कि मानता नहीं। और अब उरी हमले पर भी जब पाकिस्तानी पीएम ने मुंह खोला तो उल्टा भारत को ही दोषी ठहराया, यानी एक तो चोरी और ऊपर से सीना सूरी। देखते रहिए टीवी लाइव।